लोकसभा सत्र में जालंधर के कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भिड़ गए। दोनों के बीच तीखी बहस हो गई, जिससे लोकसभा में माहौल गर्म हो गया है। चन्नी ने बिट्टू पर कांग्रेस के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया, जिस पर बिट्टू ने चन्नी को भ्रष्ट सांसद करार दिया। रवनीत सिंह बिट्टू झल्लाकार वेल में जाने लगे। तभी चन्नी से पहले कांग्रेस सांसद अमरिंदर राजा वडिंग भी बेले की ओर बढ़ गए। बहस के कारण 2 बजे तक सदन की कार्यवाही को रोकना पड़ा। बजट पर चर्चा के दौरान बोलते हुए चन्नी ने बिट्टू को लेकर निजी टिप्पणी कर दी। चन्नी ने कहा कि आपके दादाजी बेअंत सिंह शहीद हुए, लेकिन वे उस दिन नहीं मरे थे, वे उस दिन मरे थे जिस दिन आप कांग्रेस छोड़ गए। चन्नी के इस बयान पर सांसद टेबल पीटने लगे। इस पर भड़के बिट्टू ने कहा कि मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी, कांग्रेस के लिए नहीं। ये चन्नी ये गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो, सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल सकता हूं। हजारों करोड़ों के मालिक ये चरणजीत चन्नी हैं, उनकी जायदाद पूछी जाए। बिट्टू ने दावा किया कि चरणजीत सिंह चन्नी का नाम कई मामलों में आया, जिसमें मीटू भी शामिल था। सोनिया गांधी जी कहाँ हैं, वो पहले ये देख लें। सबसे ज्यादा मीटू में ये और उससे ज्यादा केसों में ये रहा है। बिट्टू के इस बयान के बाद जब चन्नी ने बोलना शुरू किया तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ सांसद वेल में आ गए, विपक्ष के सांसद भी वेल में आ गए। दोनों पक्ष के सदस्य सदन में आमने सामने आ खड़े हुए। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक रोक दी गई। कांग्रेस ने मामला उठाया कि मंत्री ने संसद में जो भी बयान दिया वह खेदजनक है और उसे संसद की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही कहा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।